दोस्तों कैसा आप सब लोग तो दिखा लो मैं खेल सकूँ। दोस्तों हम काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं तो अभी टक्की छोड़ जाती हूँ। पहले हमें मुर्गा मुर्गी को बंद करना पड़ेगा, हमने दोनों लड़ाई लड़ेंगे। मैं उनको लाया देता हूँ दोस्तों। मुर्गा मुर्गी खुले में और टक्को नहीं खोल सकते, मैं ना बहुत फाइट करते हैं, पहले हमको बंद करना पड़ेगा। दोस्तों इनको अंदर जा रहा हूँ, डर भी लग रहा है कि मुर्गी मुर्गा मरना चढ़ जाए, क्योंकि एक दफा मुर्गा गिर भी गया था। तो दोस्तों सुफियान को देख रहा हूँ, सुफियान मिल नहीं रहा, वरना सुफियान को भी ब्लॉग बुलाते। कब से सुफियान गया हुआ है बाहर, पता नहीं कहाँ गया हुआ है। तो देखते हैं कब तक आते हैं सुफियान। अभी बाकी अपने टप को भी निकाल लेता हूँ बाहर। पानी बीच में रख देता हूँ। लेकर आ गया और ये मर जाते हैं, अब पता नहीं जिंदा रहते हैं नहीं रहते। बाकी मैं इनको डाल देता हूँ दाने से, क्या दिखाऊँ दोस्तों को चूहे। अंदर छोड़ देते हैं और देसी मुर्गी ने भी अंडे दिए थे, दो तीन दिए थे उसके बाद ही दिए। और देखें कसील मुर्गी भी आ गई है उसके साथ एक उसका चिक है। तो दोस्तों देखें असील मुर्गी लेकर आए हैं, उसके साथ इसका एक चिक भी है। और देखें बस इसके साथ एक ही चिक था इसका, और तो नहीं मानूल मुर्गी को डालिए। मैं इसको भी डाल देता हूँ अंदर थोड़ा सा। तो दोस्तों असील मुर्गी को डाल देता हूँ मैं अंदर डाल दिया। और एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे दो कबूतर पांचला से भाग के आ गए। एक तो चेंजर्स आया था, उसको हमने वापसी से सेल कर दिया। सुफियान की गलती है, हम इसको मना भी कर रहे थे सुफियान सेल मत करो इसको, क्योंकि हमारी मोहब्बत में भाग के आ रहा है। हमारे पास कल ही जाता और अब देखिए मोहब्बत में भाग के आ रही है भाग कर। तो दोस्तों हम लोग तो सो रहे थे कि काली वाली का भाई, तो हमारा कज़न है और हम उसके उनके बड़े भाई ने पकड़ी थी, यहाँ पे आके बैठी हुई थी। सारे कबूतर हमारे बंद थे या अकेली बैठी हुई थी यहाँ पे दोपहर के टाइम पे। फिर उन्होंने इसको पकड़ लिया था और सुफियान इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। और एक और कबूतर भाग के आया हमारा नबिया। तो दोस्तों हमने जितने भी कबूतर अपने सेल करे आधे से ज़्यादा तो आ ही रहे, और अभी पता नहीं कुछ आते थे नहीं आते। तो
का जो सबसे पहला मारा भाग का आया था वो देखो मम्मी का काम हो गया ट्रक के चल रहे और जो ये सबसे पहले कबूतरी भाग कर आई थी उस कबूतरी का नाम था पपाई और वो भी पता नहीं कहाँ चली गई पता नहीं नाम कैसा था हमें बता दा मुझे तो और हम ये समझा कि हमने कबूतर बंद करती होंगे लेकिन हम ट्यूशन पढ़ने चले गए थे फिर आज हम 8:30 के टाइम पर आया तो आराम से घर वालों से पूछा कि कबूतर बंद कर दें तो उन्होंने बोला नहीं हम सब पढ़ने गए फिर हम 8:30 ऊपर आया और हमने देखा तो सारे कबूतर बैठे हुए थे खुले हुए थे सारे कबूतर यहाँ पर देखे धीरे फिर उसके बाद हमने बंद करें तो वो वाली कबूतरी उसी वक्त गायब हो गई थी जितनी नीचे वो बोले थे मसाला से जब मैंने आपको दिखाया था नीचे उस वाली तो उस वाले तोते का था ये तो बच्चा इसकी माँ मर गई थी तो हमने दूसरे तोती के पास शिफ्ट कर दिया था माशाल्लाह से देखें ये बड़ा भी हो गया ग्रीन कलर निकल रहा है जैसी तोती थी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी निकल रहा है ये तो ये तो भाई गुड न्यूज़ हो गई दोस्तों पता नहीं कबूतर आ रहा है वो देखें कहाँ कहाँ बैठा है वो शायद इन्हीं का ये वहीं पर लेकिन नहीं आ रहा दोस्तों आ आ आ आ तो बाकी दोस्तों एक कबूतर और है जो वहाँ पर आया जिसमें था तो दोस्तों ये देखें ये तो दोस्तों आप लोग को तो पता चली गया हुआ है कौन सा कबूतर है गंडेदार को भी हमने सेल कर दिया था ये भी आ गया भाग कर ये देखें लड़ने के लिए जा रही है जान कूद कर और देखें माशाल्लाह से कितना मोटा सा है और हैवी सा बाकी दोस्तों जब हम सुबह आए थे मैं सुबह आया था 8:30 के टाइम तो मैंने देखा था तो यहाँ पे हमारे सारे परिंदे ढके हुए थे कबूतर भी ढके हुए थे और ये चादर के अंदर घुसा हुआ था मैं समझा नीचे कि हम आया होगा पर विराट गिरने की आवाज़ आई थी मुझे मैं जब ऊपर आया तो मैंने देखा था तो एक चादर के अंदर घुसा हुआ था गंडेदार और फिर मुझे इतनी खुशी हुई तो ये भी आ गया भाग कर लेकिन सबसे पहले यह आया था उसके एक दो दिन बाद काली वाली भाग कर आई थी तो दोस्तों उसको बाहर छोड़ दें लेकिन ये सामने जाके बैठ जाते फिर हमारे कबूतर भी लग जाते तो उसको भी इसलिए नहीं खोला मैं और काली वाली भी बैठने लग जाती है सामने बाकी दोस्तों जो मेरा वाइट वाला कबूतर है वो भी बहुत भागने की कोशिश कर रहा है उसको हमने खोला था ना तो हमने सारे कबूतर खोल देते वो उड़ रहा था तो दूर में जा रहा था फिर हमने सारे कबूतर उड़ाए थे तो वापस आ रहा था लेकिन उसको मैं खोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो भाग ना जाए ऐसा ना हो क्योंकि उसकी कोई कबूतरी नहीं है और एक न्यू प्यार है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इस वीडियो पे मुझे 100 व्यूज चाहिए 100+ तो फिर वो आपको मैं न्यू प्यार दिखाऊंगा कबूतर का माशाल्लाह से अच्छा है तो वो आपको जब दिखाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी बच्ची की अपडेट देंगे कि कब किसके प्यारे हैं बच्चे हैं अंडे सबके हम आपको अंडे भी दिखाएंगे और बच्चे भी दिखाएंगे जिस जिस प्यार है इंशाल्लाह तो बाकी तक बहुत खुश होंगे तो दोस्तों ध्यान में तो बटेर बैठ दिए क्योंकि वो अंडे दे नहीं रहे थे फ़ायदा नहीं था उनका कोई और अगर उनको खोलते थे तो वो उड़ने लगते थे इसलिए हमने उनको भेज दिया बाकी मुर्गी बार बार उनके पिंजरे में घूमी जा रही है डर से मुझे लग रहा है कि डायमंड डब हमारी अंडे देने वाली थी वो अपनी बार बार नेस्ट में जाके बैठी हैं और अपने नेस्ट में जमा करती हैं वो देखा अब तो मुर्गा भी अंदर घूम गया भी चली गई तक को गुस्सा आ रहा है इसका घर है वो बंदी मेरे घर में घुस गए तो दोस्तों एक नहीं दो न्यू प्यार है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे लेकिन मुझे इस वीडियो पर 100+ व्यूज चाहिए और 20 लाइक्स चाहिए और बाकी दो न्यू प्यार हैं आपको अभी नहीं दिखाएंगे वो बाकी अंदर वाले कबूतरों को दाना ला देता हूँ आपको नहीं दिखाएंगे लेकिन दोस्तों डर गए होंगे बाकी दाना है मैं कबूतरों को डाल देता हूँ अंदर ऊपर वालों को भी डाल देता हूँ अंदर वालों को आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर आपको न्यू प्यार नज़र आ जाएंगे हमारे दोस्तों हमारे पास 7 कबूतर तो होने वाले 6 हो गए बस अब अंदर वालों को डालता हूँ लेकिन आपको नहीं दिखाऊंगा Thank you.
बाकी थोड़ा सा ज़्यादा बचा है दोस्तों, मैं डक को हाथ से खिलाता। मैंने तो पहले भी हमारे हाथ से खाती थी और अभी भी आके खा रही है। इनको ला दे तो मैंने यहाँ पर आके रहने वाले। दोस्तों गुदगुदी हो रही है हाथ से, डक आ रही है तो अभी मेरे पीछे लगेगी। ये हरकत में करता हूँ, उनको खोलते रहते डर लगता है। मुर्गा मुर्गी तो पूरा दिन खुले रहते हैं, अब इनका क्या करें, बंद में नहीं होता, हर वक्त खुले रहते हैं। गर्मी देखे कितना करवा सकते। दोस्तों हमारी आली डक भी बहुत खराब हो गई, काटने लग गई। अब ये एक दफा तो मेरे पीछे लग गई थी, बिल्कुल नीचे पहनने वाली थी सीढ़ियों से, और एक दफा जब घर वाले उनको चारा पानी डालने आ रहे तो ये उनके पीछे भी लग गई थी, छोड़ नहीं रही थी। बाकी दोस्तों चूजों को मैंने अंदर नहीं डाला, दाना चूजों को भी डाले दो, बल्कि चूजे आला दाना खाते नहीं है, वो तो बारीक वाला खाते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा लाइक चाहिए, और लाइक नहीं सॉरी व्यूज़, और बाकी लाइक 20 से ज़्यादा चाहिए। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब ही दिखाएंगे, जब 100 लाइक्स हो जाए, वो 100 व्यूज़ हो जाएंगे और 20 लाइक्स हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।